बनाए हैं बर्गर। पहली बार ये बर्गर को बनाया है, देखिए दोस्त कितने प्यारे। आज पहली बार हमने बनाए हैं बर्गर, काटते हैं हम। देखिए दोस्तों आज बनाने जा रहे हैं नई रेसिपी। तो देखिए दोस्तों आज मैं क्या बनाने जाऊंगी, आज बनाने जाऊंगी बर्गर। तो मैं देखिए दोस्तों इसके आज हम बर्गर बनाएंगे। ये है सब मैंने आइटम ले लिया है, गोभी, शिमला मिर्ची, टमाटर और गाजर सभी को ले लिया है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर। तो फटाफट देखिए दोस्तों अब काट लेते हैं बर्गर बनाने के लिए। सबसे पहले आलू को लिया है हमने, आलू को इस तरह से हम छील लेते हैं। आलू को हमने पहले से ही उबेल लिया है और इस तरह से हम छील लेते हैं। ये लाल वाले आलू हैं इसलिए देखिए। तरह से हमने आलू को छील लिया है और एक और आलू लेते हैं हम इसी तरह से, तो उसको भी इसी तरह से हम छील लेते हैं फटाफट। गरम है क्योंकि अभी हाल उबले हुए हैं, बहुत गरम है। तो फिर देखिए दोस्तों और अब हम फटाफट मिर्ची को काट लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों इस तरह से हम मिर्ची को इस तरह से मिर्ची की कटिंग कर लेते हैं हम। और अब ले लिया है हमने प्याज को। तो फिर देखिए दोस्तों इस तरह से हम प्याज को छील लेते हैं, प्याज की भी कटिंग कर लेते हैं। तो अब प्याज की भी कटिंग इस तरह से कर लेते हैं, प्याज को हमने छील लिया है। इस तरह से देखिए दोस्तों प्याज की कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से हम टमाटर को साफ कर लेते हैं और टमाटर को हमने धो लिया है और अब टमाटर की भी कटिंग करते हैं हम इस तरह से। तो फिर देखिए दोस्तों टमाटर को हमने काट लिया है इस तरह से। देखिए दोस्तों शिमला मिर्ची को भी हम काट लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से इसके पत्ते निकाल देते हैं, पत्ता गोभी के हम पत्ता गोभी के पत्ते हमने निकाल दिए हैं, कर लेते हैं। देखिए आप लोग तो हमने पत्ता गोभी को साफ कर दिया है और अब इस तरह से हम पत्ता गोभी की कटिंग करते हैं इस तरह से। तो देखिए दोस्तों धनिया को हमने ले लिया है, अब धनिया को भी हम काट लेते हैं इसी तरह से। देखिए दोस्तों धनिया को, तो फिर देखिए धनिया को भी हमने काट लिया है। तो फिर देखिए दोस्तों इस तरह से गोभी को हम तोड़ देते हैं डंठल और पानी में साफ कर लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों गोभी को हमने डाल दिया है। तो देखिए दोस्तों गैस को चालू करते हैं इस तरह से। देखिए गैस को हमने चालू कर लिया फटाफट और अब कढ़ाई को चढ़ा दिया है, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब उसमें डालते हैं तेल को। तो फिर देखिए दोस्तों अब जीरे को डाल देते हैं इस तरह से, जीरे को भी हमने डाल दिया है। तो फिर देखिए दोस्तों जीरे हमारे भून चुके हैं, अब डालते हैं हम उसमें मिर्ची। तो फिर देखिए दोस्तों हरी मिर्ची को ले लिया है, कटी हुई हरी मिर्ची और अब डालते हैं दोस्तों बारीक कटी हुई प्याज। तो फिर देखिए दोस्तों प्याज को भी हमने डाल दिया है इसमें, चलाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम चला लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अब डालने जाते हैं हम पत्ता गोभी को, पत्ता गोभी को हमने डाल लिया है और अब डालते हैं
शिमला मिर्ची। तो देखिए दोस्तों शिमला मिर्ची को भी हम इसी में डाल दिया है। अब डालते हैं फूल गोभी को। तो देखिए दोस्तों फूल गोभी को भी हमने डाल दिया और सभी को इस तरह से हम चला लेते हैं। दोस्तों अब डालते हैं हम मटर को। तो देखिए दोस्तों मटर को भी हमने डाल दिया है। दोस्तों अब डालते हैं हम टमाटर को। टमाटर को देखिए हमने टमाटर को भी डाल दिया है इसी में ड्राइंग में। और दो आलू लिए थे हमने जो छील के रखे हुए थे। तो देखिए दोस्तों अब उनको भी हम इसी में डाल देते हैं इस तरह से फोड़ के। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने फोड़ के आलू को भी डाल दिया है और हम अच्छे से इनको मिक्स कर देते हैं इस तरह से। तो फिर देखिए दोस्तों अब डालते हैं हम थोड़ी सी हल्दी को। तो देखिए हमने इसमें डाल दिया है मिर्ची। तो फिर देखिए दोस्तों थोड़ी सी लाल मिर्ची पिसी हुई मिर्ची को हमने इसी में ऐड कर दिया है। और अब धनिया को लेते हैं। तो फिर देखिए हमने इसी में डाल दिया है। देखिए दोस्तों नमक। तो फिर देखिए दोस्तों नमक को भी हम इसी में स्वाद अनुसार सारे मसालों को इस तरह से चला के मिक्स कर देते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। कलर आ गया है हमारे मसाले का। मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो फिर देखिए दोस्तों बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो हरी धनिया को भी हमने इसी में ऐड कर दिया है। हरी धनिया को भी हमने इसी में डाल दिया है। और अब हम मसाले को उतार के नीचे रख देते हैं। तो गैस को बंद कर देते हैं इस तरह से और कढ़ाई को हमने नीचे रखा। हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो फिर देखिए दोस्तों अब हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं बर्गर बनाने के लिए। देखिए दोस्तों इस तरह से और हमारे देखिए एक बर्गर कट के तैयार हो गए हैं इस तरह से। और दूसरे वाले को हम इसी तरह से काट लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों दूसरा वाला भी हमारा कट कर तैयार हो गया है। और अब बनाएंगे हम बर्गर। तो फिर देखिए दोस्तों अब गैस को हम चालू करते हैं। तवा को गैस पर हमने रख दिया है और अब इस तरह से गैस को हम चालू कर लेते हैं। सबसे देखिए दोस्तों अब थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें घी लगाएंगे तवे पर इस तरह से। तो फिर देखिए दोस्तों अब हम तवे पर डालते हैं इस तरह से। और अब इस तरह से पलट के भी देखिए दोस्तों इस तरह से हमने उनको सेक लिया है। और अब इसको सारी हम इसी में पलटे हम इसी तरह से देखिए सिकने के लिए। देखिए दोस्तों सिक्का तैयार हो गया है हमारा दूसरा वाला भी। तो हमने साइड में इसको भी रख लगाते हैं हम इसी तरह से। तो देखिए दोस्तों वो तवे पर हमने इसी तरह से रख दिया है। हमारे सारे सिक चुके हैं और हम उनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों हमने चटनी को लिया है और चटनी को अब हम इसी पर लगाएंगे बर्गर पर। तो फिर देखिए दोस्तों इस तरह से हम चटनी को लगा देते हैं। इसको इस तरह से फैला देते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों दूसरे वाले पे भी हम चटनी को इसी तरह से लगा देते हैं और इस तरह से हम फैला देते हैं चटनी को। यह अच्छे से और जो हमने आलू का मसाला बनाया है हुआ था
ये सारे मसाले बनाए हुए थे। तो फिर देखिए दोस्तों, अब हम उनको इस तरह से लेते हैं मसालों को और अब इस तरह से लगा देते हैं। तो दोनों पे ही लगाएंगे हम। तो फिर देखिए दोस्तों, हमारे बर्गर तैयार हो रहे हैं किस तरह से। तो फिर देखिए दोस्तों, अब हमने इसको लिया है, थोड़ी सी चटनी हम इस पे फिर लगा देते हैं। दोनों बर्गरों पे हम चटनी को लगा देते हैं इसी तरह से, और चम्मच की मदद से इस तरह से हम फैला देते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, दोनों पर हमने फैला दिया है और दोनों पर हमने चटनी को अच्छे से लगा दिया है। तो फिर देखिए दोस्तों, अब हमने इसको उठा लिया है और अब इस पर हम इस तरह से देखिए दोस्तों रख देते हैं, और इसको भी हम इसी तरह से इस पर रख देते हैं। तो दोनों को हमने रख, तो फिर देखिए दोस्तों इस तरह से तो हमारे बर्गर बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, कितने प्यारे प्यारे बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं। आप लोगों का भी मन होगा खाने को, तो आप लोग भी खाइए, कितने प्यारे बर्गर बने हैं। हेलो दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आज हमने बनाए हैं बर्गर, पहली बार ये बर्गर को बनाया है। देखिए दोस्तों, कितने प्यारे प्यारे बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं हमारे। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमने बर्गर को बनाया है। आज पहली बार हमने बनाए हैं बर्गर, क्योंकि अभी नहीं बनाए कभी हमने, ना ही देखे थे, लेकिन आज हमने अपने हाथों से बनाए हैं। बाजार की तो खाए, लेकिन आज हम अपने हाथों से बनाए हुए बर्गर को खाएंगे। तो फिर देखिए कितने स्वादिष्ट और कितने अच्छे लग रहे हैं बर्गर, आप लोगों का भी मन होगा। तो देखिए दोस्तों, हम कट कर दिखाते हैं आपको कि हमने किस तरह से बर्गर को बनाया है। तो फिर देखिए दोस्तों, इस तरह से काटते हैं हम। देखिए दोस्तों, बर्गर आप लोग देख रहे हैं ना, बर्गर हैं, अपने हाथों से हमने बनाए हैं प्यारे प्यारे बर्गर। हमारा भी मन कर रहा है खाने का, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके हमें लिख के बताएं कि हमने किस तरह से बर्गर बनाए और किस तरह से हम बनाए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हमारे बर्गर को शेयर ही कीजिए, ताकि हमारे बर्गर बहुत शेयर हो और हर कोई अपने घर पर ही बनाए, बाजार से ना खरीद कर खाएं, घर के ही बर्गर खाएं। तो फिर देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने प्यारे प्यारे बर्गर बनाए हैं। अब बाय बाय, वीडियो को करते हैं एंड।